गर्म झोंकों से एहतियातों के गर्म झोंकों से सूख कर खार हो गई होगी। इश्क जहर आप लेके आया है, अक्ल बीमार हो गई होगी। बदनसीबी का क्या इलाज करूं, फिर कोई बात हो गई होगी। उनकी सूरत नजर नहीं आती, चांदनी रात हो गई होगी। लौट कर फिर नहीं कलीमा आया, कहीं तकरार हो गई होगी। बात पढ़कर हदे तनासुब से गेसुए यार हो गई होगी। एक शोला उठा था पहलू से, कोई उम्मीद चल गई होगी। गम तो ये है कि दिल के जलने से उनकी तस्वीर जल गई हो। नसीम सुबह गुलशन में, नसीम सुबह गुलशन में, गुलों से खेलती नसीम सुबह गुलशन में। सबको लेके चल रहे हैं, उसको साउंड ऑपरेटर कहते हैं, साउंड इंजीनियर कहते हैं। वो मेरे साथ रावलपिंडी से तशरीफ लाए। ही इज वन ऑफ द बेस्ट साउंड ऑपरेटर इन पाकिस्तान और वेल रिकॉग्नाइज्ड हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े बैंड्स के साथ काम किया, इंटरनेशनल भी किए साउंड ऑपरेटिंग। वो ऊपर बैठे हैं शकील बरकत साहब। आमीन। ये जो टीम होती है इसका भी तारुफ करवाना बहुत जरूरी है। ये जुबान पर यही वजीफा आता था, तेरे नबी पे पड़ा रहूंगा, तेरे नबी पे पड़ा रहूंगा, तेरे नबी पे पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा, पड़े ही रहने से काम होगा। अभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। नबी 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 पाक है वो जात जिसने अपने अब्द को सैर कराई रातों रात मस्जिद अल हराम से लेकर मस्जिद नक्शा तक। कुरान मजीद फुरकाने हमीद 15वें पारे की आयत की तफसीर है, शबे मेराज का वाक़या है। बहुत वाज़ेह तौर पर 15वें पारे में अल्लाह ताला ने सुबहानल्लाजी तबला प्लेयर और माशाल्लाह यूरोप में इनके शागिर्द हैं, अंग्रेज इनसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, मोहम्मद इश्फाक और फिर मोहम्मद इश्फाक साहब कैसे लगे आपको? ये रिजवान अली राहत फतेह अली खान साहब के शागिर्द हैं, मेरे खुदा की कोशिश करें। माजिद अली वो भी कीबोर्ड पे है, कीबोर्ड प्लेयर है माशाल्लाह बहुत अच्छे। रवि जो है ये मेरे साथ परकशन पे है, ये भी बहुत अच्छी म्यूजिशियन है। और जो अब्दुल कादिर हैं इनकी तीसरी पीढ़ी हमारे साथ काम कर रही है। इनके दादा ने मेरे वालिद साहब के साथ काम किया, इनके वालिद ने मेरे वालिद साहब के साथ काम किया, फिर इनके वालिद ने मेरे साथ शुरू किया। अब ये उनका तीसरा बच्चा आ गया माशाल्लाह, ये तीसरी मसला है। और आप यकीन जानिए ये आर्टिस्ट के अंदर जब तक मोहब्बत नहीं होगी अमन नहीं होगा, वो आर्टिस्ट नहीं बनेगा कभी। हमारे तो मियां तेरी सूरत तेरा हो, तेरा सताए।